तो रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और कहा है कि यह भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है सीएम नीतीश कुमार ने, दुख जताया है। नीतीश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। तो कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने रतन टाटा के निधन के बाद से दुख व्यक्त किया है। बता दें कि झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। तो रतन टाटा के निधन पर शोक की लहर, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। इसके साथ साथ झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। तो रतन टाटा जिनका निधन हुआ है, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब अवार्ड से सम्मानित किए गए थे रतन टाटा, और रतन टाटा के लिए भी कई यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि बड़े बिजनेस टाइकून और उन्होंने भारत के विकास के लिए भी एक बड़ी भूमिका निभाई। अलग अलग सरकारों के साथ उन्होंने काम किया, विदेश के स्तर पर भी उन्होंने कई जो बिजनेस रिलेशंस है उसको भी उन्होंने स्थापित किया, और इसके लिए वो जाने जाते हैं कैसे व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ अच्छे हो। इसके लिए चाहे उनके कई प्रोडक्ट्स की बात करें, इसमें अव्वल रतन टाटा की कंपनी रही, और टाटा ने कई ऐसे बड़े काम किए और उन बड़े कामों का नाम आज भी है, और उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो हम भारतीय करते हैं। तो उन्होंने बताया कैसे हम स्वदेशी चीज़ें जो हमारे देश में बन रही हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, और हमारी तकनीक कितनी आगे है और देश उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है, ये रतन टाटा ने सिखाया। तो कई ऐसे क्षेत्र जिसमें रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान।